सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल मीडिया यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग कैसे हो? आई होप सो यार आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्लैश करने वाले हैं यहाँ पे 0 लाख मैजिक्स मॉडल वर्जन 8। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो ग्राफिक्स की, जो कि न्यू एंड्रॉइड आया है आपका ग्राफिक्स के लिए, ठीक है, जीपीयू की परफॉर्मेंस के लिए होता है वो। तो यहाँ पे जो जीपीयू न्यू इसके ड्राइवर्स है एंड्रो के, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहले। तो वही इसके अंदर दिए गए जे जो मॉडल नंबर बात करें एंड्रो की, तो ये यहाँ पे एंड्रो का है भाई 744 वाला। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अगर बात करें पहले वाले जो आपको मैंने केमला किलर वर्जन 8 प्रोवाइड करवाया था, तो उसकी फाइल्स भी इसी में ही है, बट यहाँ पे जो न्यू फाइल्स इसके अंदर ऐड की है मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो अगर यहाँ पे मैं अंदर आता हूँ तो वर्जन के अंदर क्या देखने को मिलता है इसके अंदर आप, ठीक है, ये देख सकते हैं इसका जो न्यू लेटेस्ट वाला है वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। देन अगर हम मैं बात करूँ और फाइल्स की, तो और भी इसके जो ग्राफिक के बाकी के ड्राइवर हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं, मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक बार पीछे आते हैं यहाँ पे ओपन जीएल जो होता है हमारा, मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके अंदर भी मैंने आपको जो फाइल्स है वो इसकी प्रोवाइड करवाई है। यहाँ पे लास्ट पे जो आप देख रहे हो ये वाली फाइल्स, ठीक है, लास्ट वहाँ से जो नीचे वाली जो 5 फाइल है ये न्यू ऐड की गई ड्राइवर्स की। तो इसके अंदर क्या है कि भाई आपको जो लेटेस्ट वाला जो इसका ड्राइवर्स है एंड्रो के वो देखने को मिलते हैं, तो आपका जो गेम लैग इशू देखने को मिलता है आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है इसको, तो इसलिए इसका वर्जन 8 यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। तो इंस्टॉल कैसे करना है और डाउनलोड कहाँ से करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन इसका। तो सिंपल आपको मैजिक्स रूट एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लेना है अपना, ठीक है, यहाँ पे जो ओपन हो चुका है। ओके, जैसे जो ओपन हो जाता है सिंपल आपको मॉडल्स के अंदर आना है, देन यहाँ पे आपको, ठीक है, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज के अंदर जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वो गेम लैग किलर वर्जन का 7 वाला वर्जन जो मैंने पहले प्रोवाइड किया था वो यहाँ पे चल रहा है। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो इसका वर्जन भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं हमारा ये अपडेट होता है या फिर नहीं होता है। तो सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज जो देख रहे हैं आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपने मॉडल को डाउनलोड करके रखा होगा गाइस, आपको वही फोल्डर के अंदर जाना होता है। तो यहाँ पे मेरे जो फोन स्टोरेज अब ओपन हो चुकी है इसके अंदर, सिंपल यहाँ पे मेरा इस मैजिक्स मॉडल वाले फोल्डर के अंदर है, मैंने क्रिएट किया था। तो आपका जिस भी फोल्डर के अंदर होगा आपको उसी के अंदर जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफाइड के ऊपर क्लिक करूंगा तो न्यू फाइल्स क्या होगी टॉप अप पे आ जाती हैं, ठीक है। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देन ये क्या होगा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा वर्जन 8 वाला। सिंपल यहाँ पे ओके करेंगे तो देन इसका जो इंस्टॉलेशन है गाइस वो यहाँ पे आप देख सकते हो वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपको खाली यहाँ पे वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली ही इंस्टॉल होगा। तो देन यहाँ पे इससे पहले वर्जन 7 था वो रिप्लेस होकर वर्जन 8 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, 0 लाख मैजिक्स मॉडल जो है। तो जहाँ पे इस मॉडल्स के अंदर जो FPS ड्रॉप होता है आपको वो भी देखने को नहीं मिलेगा, और भी इम्प्रूवमेंट किया गया है इसके अंदर ग्राफिक्स को लेके। जैसे कि आपको पता है कि भाई जो GPU के ड्राइवर है एंड्रो के वही इसके अंदर प्रोवाइड करवाए हैं, जो कि आपको ये लेटेस्ट वाले ही देखने को मिलते हैं, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ देखने को मिलते हैं, Gen 3 के साथ भी देखने को मिलते हैं, और Gen 4 आ रहा है उसके साथ भी आपको यही वाले ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। तो जो आपके गेम प्ले को जो बहुत ही स्मूथ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देन यहाँ पे जेन, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 8 Gen 2 लिखा हुआ है। देन इसके हम बात करें इसके वर्जन की, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो 744 वाला जो 1.6 जो लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका 0 लाख किलर वर्जन 8 लिखा आ चुका है। देन यहाँ पे जो आपके ड्राइवर्स है वो फ्लैश हो रहे हैं, आपको वेट करना है लास्ट पे जैसे कि आप देख सकते हो। तो आपको खाली यहाँ पे वेट करना है कुछ टाइम, देन ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा, देन हम फोन को रिस्टार्ट करेंगे। तो अगर बूट लूप इशू आता है किसी भी मॉडल के अंदर, तो मैंने कल वीडियो डाला था कैसे आप बूट लूप फिक्स कर सकते हो और साथ में मॉडल को भी यूज़ में ले सकते हो उसी वाले को। तो आपको किसी भी मॉडल को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप खुद ही मैन्युअली उसके अंदर से जो, ठीक है, जिस फाइल के कारण आपको बूट लूप आ रहा है आप उस फाइल को रिमूव कर सकते हो। तो मैंने उसके पूरा डिटेल के अंदर वीडियो डाला है, तो वो भी देख लेना, ऊपर भी आ रहा होगा शायद, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो को। देन यहाँ पे जो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन आ चुका है, ठीक है। तो देन यहाँ पे इसको रीबूट कर देंगे। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा फोन जो रिस्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं अभी जो हमारा फोन ऑन होता है या फिर बूट लूप में अटकता है वो भी हमें अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सेकंड लोगो आ चुका है सैमसंग का, तो आपको वेट करना है।
तो देन यहाँ पे जो मेरा फ़ोन है वो यहाँ पे रीबूट हो चुका, तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस अनलॉक हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा क्योंकि फ़ोन फर्स्ट बार जो ऑन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फ़ोन है वो रिस्टार्ट हो चुका है। तो अभी क्या करना है, अभी मैं आपको पहले चेक करवा देता हूँ यहाँ पे मॉडल वर्जन जो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो सिंपल आपको मैजिक्स वाले एप्लीकेशन के अंदर आना है और चेक कर लेना है भाई आपका जो मॉडल है वो वहाँ पे अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वर्जन 8 आ गया या फिर नहीं आया। तो देन यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्जन 8 आ चुका है, देन इसके साथ भी लिखा आ चुका है गेम ड्राइवर एंड्रो 744, ठीक है। 744 वाला जो वर्जन है वही यहाँ पे इसके अंदर उसके ड्राइवर दिए गए हैं। तो देन अब जैसे आप अपनी गेम ओपन करोगे, गेम के अंदर आपको अपडेट मिलेगा, जहाँ से अपडेट होगा भाई ज़्यादा से आप 25 MB तक का अपडेट होगा, और कम से कम बोल सकते हैं भाई 9 से 25 MB का अपडेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके फ़ोन के ड्राइवर्स जो वो चेंज हुए हैं, ठीक है। तो जो ड्राइवर्स होते हैं वो चेंज होते हैं, तो उसके कारण आपको गेम के अंदर अपडेट देखने को मिलेगा आपके जो, ठीक है, ड्राइवर के अकॉर्डिंग आपके ग्राफिक्स जो होते हैं वो उस हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे, तो जिसके कारण आपको स्टेबल FPS देखने को मिलेगा और बेहतर गेम एक्सपीरियंस भी देखने को मिलने वाला है फुल्ली स्मूथली। तो आज की वीडियो के अंदर यही था, तो भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।